May I come in, sir? Please. Yes, please come. Good afternoon, sir. Yes, Rajiv, please be seated. Please tell us about yourself. Sir, my name is Rajiv Kumar. I live at Ghopna Mod in Ghaziabad. Presently, I am working as a station controller in Noida Metro Rail Corporation since 2018. I have done my BTech from Krishna Institute of Engineering and Technology, Ghaziabad in 2015 in Electronics and Communication. I have done my 12th class from UP Board in 2011, and I have also done my 10th class from UP Board in 2009. Okay, very good. So, you are living in Ghukna Modi. Ghukna kya hota? Sir, ye jagah ka naam hai. Haan, iska matlab kya hai? Ghukna? I don't know. Arre, Ghaziabad ye, Ghazi ji kaun the? ये गाजियाबाद जो नाम पड़ा है वो गाजीउद्दीन के वजह से पड़ा है. वो 1704 में गाजियाबाद नाम रखा गया है गाजीउद्दीन. कौन थे वो गाजीउद्दीन जी? उतना ही जानकारी नहीं है सर उनके बारे में. अरे हरबंस जी कौन है? ये भी मेरी लोकेशन का नाम है बट उनकी जानकारी भी नहीं है. कोई बात नहीं. अच्छा, आप नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में हैं? जी सर. तो उनकी जो मेट्रो है उसका गेज क्या है? सर वो स्टैंडर्ड गेज है और 1435 mm. और दिल्ली DMRC की गेज क्या है? उसमें भी सर स्टैंडर्ड गेज है 1435 mm. जो मेट्रोज हैं हमारी ज़्यादातर उनमें स्टैंडर्ड गेज ही है. बाकी जो इंडियन रेलवे है उसमें हमारी ब्रॉड गेज है. तो मेट्रो गेज और वाइड गेज? यस सर. रोड गेज और वाइड गेज? ब्रॉड गेज. ब्रॉड गेज. ब्रॉड गेज. तो ये मेट्रो में ब्रॉड गेज क्यों नहीं लगाई? एक्चुअली सर मेट्रो जो है वो सिटी बेसिस पे है, सिटी को इंटरकनेक्ट, और रेलवे जो है वो ज़्यादा दूरी के लिए है. तो वहाँ उसकी जो ब्रॉड गेज है वो उस हिसाब से डायमेंशन के हिसाब से कि कोच बड़े हैं. कुछ बड़े हैं कुछ चौड़े हैं? जी सर. ओके. तो ये अगर DMRC का और आपका गेज सेम है तो डैट मीन्स DMRC की मेट्रो आपके वहाँ चली जाती है? यस सर, बट नोएडा मेट्रो और दिल्ली मेट्रो दोनों डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है. ऑर्गेनाइजेशन अलग है. यस सर. पर कोच तो सेम है. यस सर. तो फिर ऑर्गेनाइजेशन अलग बनाने का क्या फ़ायदा? सर इस बारे में तो कुछ नहीं, मतलब आप क्या दिल्ली बॉर्डर पार करने के बाद स्टेशन, यू आर स्टेशन कंट्रोलर फॉर विच एरिया? सेक्टर 101 स्टेशन इन नोएडा. इन नोएडा. तो आपके ड्राइवर दिल्ली बॉर्डर आता है तो उतर जाते हैं, दिल्ली DMRC का ड्राइवर बैठ जाता है? वो सर लाइन ही अलग हो जाती है, वो कनेक्टेड नहीं है. वो लाइन अलग है, क्वा लाइन जो परी चौक जाती है, और DMRC की लाइन अलग है. तो एक्वा लाइन आप ऑन करते हो? यस सर, एक्वा लाइन पे हूँ मैं. तो हमारी जो लाइन है वो एक्वा लाइन है. DMRC की तो मोर देन वन लाइन है बट हमारी एक ही लाइन है. अच्छा, सिर्फ एक ही लाइन है आपकी? यस सर. और आपकी लाइन में राइडरशिप कितनी है? राइडरशिप सर इफ आई टॉक अबाउट माय स्टेशन अराउंड 600 to 700. स्टेशन की राइडरशिप काफ़ी कम है. नहीं, मैं स्टेशन की राइडरशिप नहीं पूछ रहा, मेट्रो की राइडरशिप कैसे गिनते हैं? जो कार्ड पंच हुए हैं और जो QR कोड हमारे परचेस किए हुए हैं उस हिसाब से हम राइडरशिप काउंट करते हैं. तो आइडिया सर नहीं है अभी पूरा. नहीं, जैसे दिल्ली मेट्रो कहती है कि येलो लाइन पे रोज 26 लाख लोग ट्रैवल कर रहे हैं. यस सर. तो हाउ डू दे काउंट 26 लाख? वो सर दोनों चीज़ों से कि QR कितने परचेज हुए हैं टोटल स्टेशंस पे और कार्ड एंट्री कितनी हुई हैं स्टेशंस पे. अच्छा, एंट्री कार्ड? यस सर, जो कार्ड पंच हुए. और अगर कोई एयर कंडीशन एंजॉय करना चाहे तो एक जगह से एंटर कर जाए और घूम के दूसरी साइड से निकल जाए तो उसमें क्या, डू यू हैव एनी वे ऑफ मेजरिंग?
नो सर, बट वो टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाएगा तो पर आवर के हिसाब से चार्जेस लग जाएंगे अगर वो घूम भी रहा है पूरे दिन। अच्छा, पर आवर के चार्ज भी अलग होते हैं? यस सर, वो 10 रुपीज़ पर आवर इस हिसाब से, तो अगर वो घूम रहा है तो फिर अच्छा, उसी हिसाब से फाइन चार्ज हो जाएगा। अच्छा अच्छा, 10 रुपीज़ पर आवर? यस सर। द काइंड ऑफ पार्किंग इज चार्ज, बट नो वन इज सो फ्री। नहीं, करते तो होंगे, यू नेवर नो। अच्छा, ये जो आप मेट्रो में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, ये कितने वोल्ट की लाइन होती है? जो हमारी मेट्रो रन कर रही है जिसके थ्रू, वो सर 25 kV। 25 kV? यस सर। यानी वो कैसे, थर्ड रेल से लेती है? वो सर OHE से लेती है, ऊपर जो ओवरहेड इक्विपमेंट है उससे लेती है। वो जिस चीज़ से लेती है उसको क्या कहते हैं? उसको सर OHE बोलते हैं, ओवरहेड इक्विपमेंट, OHE वायर। OHE वायर से, वायर से ट्रेन में कैसे आता है करंट? वो सर पेंटोग्राफ, OHE से ऊपर पेंटोग्राफ कनेक्ट रहता है। हाँ, पेंटोग्राफ से लेते हैं, ठीक है। तो OHE में 25 kV का वोल्टेज होता है? यस सर। अच्छा, वहाँ से पेंटोग्राफ पिक करता है? यस सर। और जब नीचे अंडरग्राउंड चली जाती है तब भी सर सेम प्रोसेस है वो। हालांकि हमारे यहाँ नोएडा मेट्रो में कोई अंडरग्राउंड स्टेशन है नहीं। हाँ, बट प्रोसेस सेम ही रहता है उसका। जहाँ अंडरग्राउंड जाती है वहाँ भी ऊपर पेंटोग्राफ से ऊपर से ही लेती है? यस सर। नीचे पटरी एक्स्ट्रा करके कहीं नहीं लेते हैं? नहीं सर, वैसे थर्ड रेल सर होती है बट हमारे यहाँ तो नहीं है। थर्ड रेल भी पॉसिबल होती है कई बार वो थर्ड रेल के थ्रू, बट हमारे यहाँ पे नहीं है। तो इन दोनों में व्हाट इज बेटर एज एन इंजीनियर, विच वन इज बेटर, थर्ड रेल सिस्टम और पेंटोग्राफ सिस्टम? आई थिंक सर OHE सिस्टम ज़्यादा बेटर है। अच्छा, पर ये कहते हैं कि जब काइट फ्लाइंग होती है तो यस सर पेंटो मैनेजमेंट करना पड़ता है। हाँ यस सर। हाँ, उस टाइम प्रॉब्लम्स होती हैं थोड़ी। क्यों, क्या एग्जैक्टली पंगा क्या है उसमें? सर ये है कि अब जैसे अगर हमारे यहाँ 4 कोच की मेट्रो है तो जो OHE के थ्रू पेंटोग्राफ कनेक्ट होंगे वो 2 होंगे, एक फर्स्ट कोच में एक लास्ट कोच में। अगर काइट कहीं OHE में फंसी है तो पेंटोग्राफ के टूटने की जो ज़्यादा सिचुएशन बन जाती है, और वो एक काफ़ी लाखों का होता है तो इसलिए नुकसान होने की संभावना रहती है। बट अगर ऐसी सिचुएशन में काइट फंसी हुई है तो दोनों पेंटोग्राफ लाइव OHE में रहेंगे, तो एक पेंटोग्राफ अगर हम डाउन कर देंगे तो भी ट्रेन हमारी मूव हो जाएगी। तो अगर कहीं पे काइट फंसी हुई है और वहीं हमारा ऊपर वाला आगे वाला पेंटोग्राफ है, हम उसे आगे वाले को डाउन कर देंगे, रेयर पेंटो बैक वाला अप रहने देंगे, फिर जब थोड़ी ट्रेन मूव करा देंगे आगे वाले को अप कर देंगे और पीछे वाले को डाउन कर देंगे ताकि वो काइट से टच ना हो। ओके। और इस ड्यूरेशन में बाकी टेक्निकल टीम वो काम कर देती है हटाने का। ओके। नहीं, काइट फंसी है का क्या मतलब हुआ? मतलब वो सर जब सिचुएशन मतलब सीजन होता है काइट्स उड़ती हैं तो वो फंस जाती हैं उसमें, वायर के थ्रू उड़ के कहीं से भी। तो अगर वो उसके साथ जो उसका धागा है अगर वो पैंटों के साथ उलझ के आगे चला गया तो उसके टूटने की आशंका रहती है। ओके। वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है वो धागा? वो सर कर सकता है, बट अब तो इन चीज़ों पे रोक लगा दी है गवर्नमेंट ने। बट हाँ, इन चीज़ों पे तो सर गवर्नमेंट ने रोक लगा दी है। अब पहले ऐसे धागे होते थे, अब नहीं है। ओके। तो ये जो बेसिकली मेट्रो का प्रॉफिट है वो कहाँ से आता है? सर मेट्रो का प्रॉफिट तो राइडर जो पैसेंजर्स हैं उनसे भी आ रहा है, बाकी प्रॉपर्टी डेवलपमेंट एरिया जैसे कि कहीं होटल्स खुल गए या रेस्टोरेंट्स खुल गए, ये सब चीज़ें जो उनके एरिया में खुलती हैं वहाँ से भी आ रहा है। और तो आपने कभी देखने की कोशिश की आपकी मेट्रो प्रॉफिट में है कि लॉस में है? वो सर लॉस में है। लॉस में है? यस सर। तो लॉस राइडरशिप की वजह से ज़्यादा है कि हाउ डू यू अपोर्शन द लॉस? लॉस सर वो राइडरशिप कम होने की वजह से ही ज़्यादा है, बिकॉज नोएडा में अभी उतनी पॉपुलेशन भी नहीं है, और जो बाय रोड अगर हम ट्रैवल करते हैं तो उसमें भी हम बहुत इजीली पहुंच जाते हैं, इतना ट्रैफिक भी नहीं है।
तो लोग अभी मेट्रो कम प्रीफर कर पा रहे हैं। ओके, और आपकी लास्ट माइल कनेक्टिविटी क्या होती है पता है आपको? हेलो सर, आप एक मेट्रो स्टेशन पहुंच गए, वहां से आगे कनेक्टिविटी की स्थिति क्या है? जो सर आगे अंडर डेवलपमेंट है, मतलब उस स्टेशन पे जैसे साकेत में है आप, तो साकेत स्टेशन पे साकेत के लोग कैसे पहुंचेंगे? वो कुछ आपकी अथॉरिटी कुछ वो नहीं है सर, नोएडा मेट्रो की तरफ से नहीं है, बाकी तो ई रिक्शा ही चलते हैं वहाँ पे। फिर वो नोएडा मेट्रो उस पर कुछ काम कर रही है, उसको कैलकुलेट करती है, ऑब्जर्व करती है? अभी तो सर कोई काम नहीं हो रहा है इसके ऊपर, अभी ऐसी कोई कनेक्टिविटी नहीं दी जा रही नोएडा मेट्रो से। हाँ जी सर, आपके कितने किलोमीटर की लाइन है ये नोएडा की? ये सर 29.07 किलोमीटर। ओके, और आपके फंक्शंस क्या हैं एज ए स्टेशन कंट्रोलर? एज ए स्टेशन कंट्रोलर सर वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्राउड मैनेजमेंट, AFC सिस्टम मैनेजमेंट, प्रॉपर वर्किंग ऑफ ऑल AFC सिस्टम, लिफ्ट एस्केलेटर एंड ऑल अदर इक्विपमेंट ऑफ स्टेशन। AFC सिस्टम क्या सर? जो हम ब्रिगेड के थ्रू एंट्री करते हैं उन्हें ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन बोलते हैं। और बाकी सर जो भी स्टेशन का ओवरऑल मैनेजमेंट है वो स्टेशन कंट्रोलर का ही काम है। अगर कोई भी इरेगुलरिटीज ऑब्जर्व होती है हमारे किसी इक्विपमेंट में, हम टेक्निकल टीम को रिपोर्ट करते हैं, तो ओवरऑल सुपरविजन ऑफ स्टेशन। ओके, आपके एस्केलेटर्स में कौन सी मशीन से यूज होती हैं, कौन से मोटर्स यूज होती हैं? मोटर सर नहीं पता सर, फिर भी कोई आइडिया तो होगा, गैस करो सर, प्रॉपर जानकारी नहीं है इसकी। स्पीड कांस्टेंट होती है इसके? गैस गैस मारो, कम ऑन। स्पीड सर दो होती है, हम 0.5 और 1.8 कुछ, तो दो में से हम चूज कर लेते हैं कि कहाँ पैसेंजर फ्लो किस तरीके से। तो कौन सी मोटर होगी? 0.5 क्या? 0.5 मीटर पर सेकंड कुछ, मतलब स्लो स्पीड होती है एस्केलेटर की। तो काफी इसका मेंटेनेंस का क्या शेड्यूल रहता है? इनका सर मेंटेनेंस होता है इस तरीके से कि या तो वीक में या 10 डेज में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, तो नाइट में होता है वो इनका। ओके, आपकी पावर नोएडा पावर के लिए कहाँ से आती है? वो सर दो रिसीविंग सब स्टेशन हमारे, तो वहाँ से पावर आती है, वहाँ हमारी पीछे इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस से आती है, बाकी हमारे पास उन दो से रिसीविंग सब स्टेशन जो है नोएडा मेट्रो। नोएडा पावर कॉरपोरेशन से खरीदते हैं या आपका और किसी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से खरीदते हैं या डायरेक्टली परचेज करते हैं? वो सर नोएडा अथॉरिटी का जो है उसी से आ रही है, जो नोएडा अथॉरिटी का जो पावर हाउस है उसी से आ रही है, कहीं और से परचेज नहीं की जा रही। नोएडा पावर से जी? NPCL से करते हैं। NPCL से करते हैं? यस सर। नोएडा में पावर हाउस है? पावर हाउस तो नहीं है, NPCL आपका डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, नोएडा पावर कंपनी। पावर हाउस की तो सर जानकारी नहीं है। नहीं, आपने बोला अभी 25 KV जो बताया आपने वो कहाँ से आती है? वो सर हमारे जो रिसीविंग सब स्टेशन है वहाँ से आ रही है। अब रिसीविंग सब स्टेशन पे वो जो पीछे से पावर आ रही है वो ग्रिड से आपके जो आ रही है यूपी ट्रांसमिशन कंपनी, यूपी TCL किसी न किसी से आ रही होगी, 132 KV आ रही होगी। उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं? हाउ दे कन्वर्ट 3-phase ट्रांसमिशन सिस्टम टू योर सिंगल फेस? आपका 25-25 चाहिए तो वो सर अल्टरनेटर की हेल्प से हो जाता है, 3-phase से सिंगल फेज में अल्टरनेटर डिवाइस, अल्टरनेटर की हेल्प से। नहीं, ट्रांसफार्मर लगे होंगे ना? 32 KV से आपके सब स्टेशन है? यस सर, वो तो रिसीविंग सब स्टेशन में लगे। हाँ, तो वहाँ पे 3-phase सप्लाई आ रही है, तो सिंगल फेज करके कैसे करते हो? वो तो नहीं पता सर। ओके, किस रेट पे पावर आप प्रोक्योर करते हैं पिछाड़ी है? फिक्स रेट। किस रेट पे प्रोक्योर करते हो? वो सर जो अब मेट्रो जिस पे बनाई गई है ऑपरेशनल होने के लिए, तो उस हिसाब से है। नहीं, प्राइस पर यूनिट, कितना कंजम्पशन आपका उसमें यूज़ होता है, कितना पावर यूज़ होती है मेगावाट में? ये सर आई डोंट आइडिया नहीं है।
नोएडा पावर ने अपने सोलर रिन्यूअल प्लांट भी लगाने के लिए कोशिश की है, पावर स्टेशन जहाँ पर आपके ये है स्टेशन से? यस सर, स्टेशन पे सोलर पैनल लगाए गए हैं, जो भी स्टेशन की रूफ है वो हर एक स्टेशन पे सोलर पैनल लगाए गए हैं। ओके, कितने किलोवाट के हैं, मेगावाट के हैं, कुछ है आइडिया आपको? नो आइडिया सर। तो आपको कभी क्यूरियोसिटी नहीं हुई जाकर देखूं? वो सर एक तो हमारा जो काम है वहाँ नॉन टेक्निकल है, तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि। ओके, राजीव बताइए, व्हाट इज द सेमी कंडक्टर? सर सेमी कंडक्टर इज ए डिवाइस विच हैज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिविटी बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर। ओके, कोई मेजर एग्जांपल सेमीकंडक्टर्स जो हम यूज़ करते हैं? जर्मेनियम, सिलिकॉन। ओके, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम हमारे पास सेमीकंडक्टर्स अवेलेबल हैं। yes, तो हम डोपिंग या इम्प्योरिटी ऐड क्यों करते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? डायरेक्टली हम प्योर सेमीकंडक्टर यूज़ कर सकते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम? सर डोपिंग और इम्प्योरिटी से हम सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें किस तरीके की डिवाइस चाहिए, किस पर्पज़ के लिए, तो उस हिसाब से हम डोपिंग करके उसकी कंडक्टिविटी को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करते हैं। कंडक्टिविटी बेसिकली बढ़ा देते हैं डोपिंग करके। तो ऐसा कोई एग्जांपल है जहां पे हम प्योर सेमीकंडक्टर यूज़ कर रहे हो? बहुत कम ही यूज़ करते हैं, कोई ऐसा एग्जांपल बताइए जहां पे प्योर सेमीकंडक्टर भी यूज़ होता हो, प्योर ऐसी कोई डिवाइस? डायोड है वो एक, कोई डायोड जहां पे हम इसको यूज़ करते हैं? डायोड तो सर होते हैं, सिलिकॉन डायोड भी होता है, पीएन जंक्शन डायोड होता है, टनल डायोड, बहुत सारे डायोड होते हैं ना, आप पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डायोड्स। तो ऐसा कोई एक डायोड है जो आप सोच पा रहे हो जहाँ पे प्योर सेमीकंडक्टर भी यूज़ होता है? बहुत रेयरली प्योर सेमीकंडक्टर हम यूज़ करते हैं, ज़्यादातर पी टाइप या एन टाइप डायोड में। जनरल डायोड में? यस सर। आर यू श्योर? यस सर। ओके, अच्छा ये बताइए कि जब हम डोपिंग करते हैं, सपोज़ हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिला रहे हैं किसी सेमीकंडक्टर में, यस सर, तो उसका जो फर्मी लेवल है वो किस तरफ मूव करेगा? सर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाने पे जो फर्मी लेवल है वो सर अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। यस सर। और अगर हम डोपिंग बढ़ाते जाएं तो वो अपवर्ड ही मूव करता जाएगा? यस सर। तो वो कंडक्शन मैन में भी इंटर कर सकता है? यस सर, कंडक्शन मैन। तो अगर हम इतनी डोपिंग कर दें कि वो कंडक्शन मैन में इंटर कर जाए आपका फर्मी लेवल, तो इस टाइप के सेमी कंडक्टर को क्या बोलते हैं? सर वो होगा फिर हमारा डीजनरेट सेमी कंडक्टर। और डीजनरेट सेमीकंडक्टर का कोई पर्टिकुलर यूज़ कहाँ पे यूज़ करते हैं? क्योंकि कंडक्टिविटी विल बिकम सो हाई, क्योंकि आप डोपिंग की बढ़ाते जा रहे हो बढ़ाते जा रहे हो, तो कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की बढ़ती जा रही है, तो जब कंडक्शन मैन में इंटर करेगा तो कंडक्टिविटी बहुत हाई हो चुकी होगी। तो डीजनरेटिव सेमीकंडक्टर को कहीं पे यूज़ करते हैं? कोई पर्टिकुलर डिवाइस जो आपको पता हो जहां पे इसको यूज़ करते हैं? सर एप्लीकेशन तो ध्यान नहीं सर। कोई डायोड, जैसे जो डायोड आपने पढ़े होंगे, टनल डायोड सुना है? यस सर। टनल डायोड में डोप्ड? यस सर, उसमें हाईली डोप्ड सेमीकंडक्टर यूज होते हैं सर। सो टनल डायोड किस प्रिंसिपल पे काम करता है? व्हाई द नेम इज टनल? टनल डायोड में टनल वर्ड क्यों आता है? ये सर टनलिंग फिनोमेना पे काम करता है। तो और टनलिंग फिनोमेना होती कब है? उसके लिए क्या कंडीशन चाहिए? क्या ये किसी भी डायोड में हो सकती है या देयर इज सर्टेन कंडीशंस की ये अकर करेगी? हैवली डोप्ड जंक्शन चाहिए सर टनलिंग फिनोमेना के लिए। दोनों साइड हैवली डोप्ड होना चाहिए कि एक ही साइड होगा तो चल जाएगा? सर दोनों साइड हैवली डोप्ड जंक्शन होना चाहिए। और उसकी वजह से होता क्या है? उसकी वजह से सर वो जो डिप्लीशन बीच रहेगी वो बहुत ही नैरो रहेगी, और जो हमारे चार्ज कैरियर्स हैं वो एक साइड से दूसरी साइड चले जाएंगे। वो तो आप जब बायसिंग करते हो तब भी जाते हैं, तो ये किस फेनामेना से जा रहे हैं कि हम इसको टनलिंग कह रहे हैं? ये सर इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है, स्पीड लाइट की स्पीड के ऑलमोस्ट इक्वल, जिस स्पीड से वो जाते हैं जब हम दोनों जंक्शन पे हैवली डॉपिंग कर रहे हैं। अच्छा, टनल डायोड फॉरवर्ड बायस मोड में यूज करते हैं प्रिफरेबली कि रिवर्स बायस मोड में प्रिफरेबली? फॉरवर्ड बायस में सर। फॉरवर्ड बायस में सर। और अगर जनरल डायोड मेरे पास हो वो किस बायस में प्रिफरेबली यूज करते हैं हम? वो सर दोनों में कर सकते हैं, बट जीनर जो है प्रेफरेबली किस में यूज़ होगा? वो रिवर्स बायस में यूज होगा क्योंकि हमें रेगुलेटर। कहाँ पे यूज़ होता है मोस्टली?
मतलब ज़्यादातर किस सर्किट में फ्रिक्वेंटली बहुत यूज़ करते हैं? ऐसे तो बहुत सारे यूजेज हैं। वो सर वोल्टेज रेगुलेशन के लिए या कॉन्स्टेंट सप्लाई जहाँ हमें चाहिए होती है? वोल्टेज रेगुलेशन के लिए। अच्छा, व्हाट इज़ अ सिग्नल? अगर किसी सिग्नल को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करते हैं? सर, सिग्नल इज समथिंग विच हैज सम इंफॉर्मेशन इन इट। ओके, और इट मे बी टाइम वेरिंग और स्पेस वेरिंग। ओके, बोथ। अगर आपके पास कोई रियल सिग्नल है, यस सर, तो हम उसकी एनालिसिस करने के लिए फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म या फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की एनालिसिस करनी हो। यस सर। एक रियल सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म किस नेचर का होता है? कॉन्जुगेट सिमेट्रिक। अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स की बात करूँ, मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स की स्पेक्ट्रम की, तो कैसा होगा मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम? मैग्नीट्यूड सर इवन होगा। मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम ओमेगा डोमेन में मैं बात कर रहा हूँ। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होगा कि इवन होगा, या कांस्टेंट होने के साथ इवन होगा? क्योंकि कोई कांस्टेंट चीज़ होगी तो इवन तो ऐसे भी हो जाएगी। होगी सर, तो ये हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। जैसे अगर साइनोसॉइडल सिग्नल ले लो फॉर एग्जांपल, एक रियल सिग्नल है, पीरियोडिक सिग्नल, उसका अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो क्या उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एक कांस्टेंट सिग्नल आएगा ओमेगा डोमेन में? कैसा साइनोसॉइडल सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म किस नेचर का होता है? रेक्टेंगुलर होगा सर। वो रेक्टेंगुलर साइनोसॉइडल का होता है कि सिंक फंक्शन का होता है? अगर सर साइनोसॉइडल है तो उसका रेक्टेंगुलर होगा, और रेक्टेंगुलर है तो साइनोसॉइडल होगा। अगर मैं टाइम डोमेन में एक सिग्नल लिया साइनोसॉइडल सिग्नल, सपोज साइन ओमेगा नॉट टी, और एक सिग्नल ले लिया आपका साइन ओमेगा नॉट टी अपॉन ओमेगा नॉट, या साइन ओमेगा नॉट टी अपॉन टी, एक सिंक फंक्शन ले लिया सर, तो दोनों के फोरियर ट्रांसफॉर्म में क्या डिफरेंस होगा? मतलब किसका रेक्टेंगुलर फंक्शन होगा? दोनों का रेक्टेंगुलर फंक्शन होगा, या साइनोसॉइडल का होगा, या सिंक फंक्शन का होगा? सर, सिंक फंक्शन का तो रेक्टेंगुलर फोरियर ट्रांसफॉर्म रेक्टेंगुलर शेप का ही बनेगा। और साइनोसॉइडल का? और साइनोसॉइडल का इम्पल्सिव इम्पल्स फंक्शन ये सर इम्पल्स होंगी, दो इम्पल्स होंगी साइनोसॉइडल की। हाँ, एक डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी आएगी। यस सर, ठीक है ना सर। राजीव जी, फॉर एग्जांपल आप ड्यूटी पे हैं मेट्रो में, एंड सडनली एक मेट्रो ट्रेन स्टेशन मतलब मेन लाइन पे बीच में स्टॉप हो गई है, ओएचई फेल हो गई है। यस सर, इस केस में आप क्या क्या एक्शन लेंगे? सर, इस केस में एज ए ट्रेन ऑपरेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू स्टेशन कंट्रोलर, और जो स्टेशन कंट्रोलर को जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई जाएंगी एज पर प्रोसीजर, वो OCC से हमें बताई जाती हैं ऑपरेशन। तो आपको अभी इस केस में कौन कौन से एक्शन प्लान करने पड़ेंगे? OHE आपकी फेल है, जैसे ही ट्रेन मेन लाइन पे ऑपरेट कर नहीं पाएगी, जैसे ही सर OHE फेल होगी, स्टेशन कंट्रोलर से जो वॉकी टॉपी वॉकी टॉकी टाइप जो हमारा डिवाइस होती है, इससे हम कम्युनिकेट करते हैं, उसे टेट्रा बोलते हैं, तो हम टेट्रा पे बात करेंगे और OCC ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर को बताएंगे कि ऐसे ऐसे हमारे यहाँ ट्रेन फंस चुकी है और मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। देन उस केस में सर जो OCC हमें इंस्ट्रक्ट करेगा, हम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। हम एज ए स्टेशन कंट्रोलर कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लेता। वो इस केस में क्या मोड ऑफ एक्शन होना चाहिए? इस केस में सर जो एक्शन है वो जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है उनका बढ़ जाता है, क्योंकि जो हमारे पास रिसीविंग सब स्टेशन है वो इस तरीके से है कि कभी भी OHE अगर फेल होगी तो वो किसी एक सब स्टेशन की वजह से होगी, ऐसा नहीं कि एक बार में दो नहीं हो जाए, तो इसीलिए दो बनाए जाते हैं कि अगर एक फेल हो रहा है तो दूसरे की वजह से ट्रेन मूवमेंट पर कोई असर ना पड़े। ओके, अच्छा आपको ऑपरेटिंग रेशो के बारे में पता है? ऑपरेटिंग रेशो मेट्रो का अभी क्या है? नो सर, आई डोंट नो। ओके, अच्छा आपने बोला था ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन, यस, ये बेसिकली वर्क कैसे करता है? ये सर जो हम कार्ड या इस QR होंगे उसको स्कैन करेगा, और ये RFID के अकॉर्डिंग, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस के अकॉर्डिंग काम करता है, तो उससे ये सोर्स स्टेशन को पढ़ेगा कि कहाँ से एंट्री हुई है, और डेस्टिनेशन को फिर कवर कर लेगा। अगर हमारे पास QR है ऑलरेडी, वो फेयर पहले ही हम दे चुके हैं, बट अगर कार्ड है तो वो उसी हिसाब से इसमें
पूरी जो टाइमिंग है और फेयर फिट होता है उसी हिसाब से डिडक्ट करता है कार्ड से। ओके ओके अच्छा, जैसे आप ड्यूटी पे आते हो, ठीक है, यस सर, तो एज अ स्टेशन कंट्रोलर आपके अंडर कुछ स्टाफ ऐसे भी होते हैं जो कैश इन कैश आउट करते हैं, राइट? यस सर। तो मेट्रो में सिस्टम्स कैसे बनाए गए हैं कि कोई स्टाफ अगर पैसा थेफ्ट करने की कोशिश करे तो, या ये पॉसिबल है करना? ये सर पॉसिबल नहीं है, पहले ऐसा हो सकता था बट अब बहुत ट्रांसपेरेंसी है। जो EFO या EFO बोलते हैं एक्सिस फेयर ऑफिस या फिर कस्टमर केयर ऑफिस, अगर जो QR टिकट हैं वो तो उसी प्राइस पे हमारे सेल होंगे जो सिस्टम में है, उतने पैसे सिस्टम में चढ़ाने भी होंगे तभी QR जनरेट होगा। बट अगर कार्ड है तो कार्ड में जो भी इंफॉर्मेशन है वो पूरी की पूरी एक सेंट्रल कंप्यूटर जो हमारा स्टेशन कंट्रोल रूम होता है उस पे भी आती है। एंड टिकट्स परचेज बाय कैश? जब सर कोई टिकट परचेज करेगा तो जो ऑपरेटर बैठा होगा टिकट देने वाला वो उसमें उतना अमाउंट उसको डालना ही होगा, अदरवाइज वो टिकट जनरेट ही नहीं होगा। अगर 40 रुपीज़ का अमाउंट है तो वो 50 या 30 पे नहीं, वो उतने पे ही जनरेट होगा जो हमारा सिस्टम है। एंड बाय द एंड ऑफ शिफ्ट उसको क्या प्रोसीजर करना पड़ता है? जो एंड ऑफ शिफ्ट सर जब उसकी होगी उसमें पूरा QR का कितना QR की वजह से कितना हमारा रेवेन्यू बना है, कितना कार्ड की वजह से कितने कार्ड रिचार्ज हुए हैं, कितने कार्ड सेल हुए हैं, उनको हम अपने सेंट्रल कंप्यूटर जो स्टेशन कंट्रोल रूम में होता है मैच कर लेते हैं। ओके ऑलराइट। अच्छा, आपको वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, आपको ये पता है कौन सी मोटर यूज होती है मेट्रो में? मेट्रो में सर DC मोटर भी यूज होगी और थ्री फेज इंडक्शन मोटर भी यूज होगी। कौन सी यूज होती है? मतलब सर दोनों ही यूज होती हैं, थ्री फेज इंडक्शन मोटर भी और DC मोटर भी। अच्छा, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में हम कौन से मेथड से स्पीड कंट्रोल करते हैं मेट्रो ट्रेन्स का, अगर थ्री फेज इंडक्शन मोटर यूज हुई तो? ट्रिपल VF पढ़ा है आपने, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी? यस सर। क्या होता है उसमें सर? फ्रीक्वेंसी को चेंज करके हम अपनी जो वोल्ट स्पीड है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इज इट बेटर देन DC मोटर या उससे ख़राब है स्पीड कंट्रोल? किस में बेटर होता है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में या DC मोटर में? उसका आई डोंट नो सर। ओके ठीक है सर। ओके सो विल कॉल यू बैक। ओके थैंक यू सर। यस प्लीज। सो राजीव कुमार, हाउ वाज योर इंटरव्यू? एवरेज सर। इट वाज अबव एवरेज। को फ्रॉम यू द एक्सपेक्टेशन विल बी मोर because you are working with the metro. Yes. Okay, and to a common man metro is all engineering. Yes sir. It is not railway, it is engineering. Yes sir. AFC hua, everything is like, so you cannot say ki bhai I was doing non technical work ja ke escalator ke niche kya hota hai maine nahi dekha. That you cannot say. एस्केलेटर नहीं चल रहा तो सोल्यूशन ये नहीं है कि वहाँ बोर्ड नोटिस लगा दिया कि एस्केलेटर नॉट वर्किंग, बस ये सोल्यूशन नहीं है। एज एन इंजीनियर योर जॉब इज टू पुट इट बैक इन टू वर्किंग। वो थोड़ा सा फाइंड आउट एवरीथिंग दैट इज यूज्ड इन योर प्रेमिसेस, यू शुड नो हाउ इट ऑपरेट्स टेक्निकली। सोलर प्लांट लगाया आपके प्लांट, उसमें लगाया है आपके? yes, तो कितने किलोवाट का लगाया? ठीक है ना, कैसे वो पावर कैप्चर करता है, कितने वोल्ट पे कैप्चर करता है, ग्रिड में फीड कैसे करता है, ग्रिड में फीड करता है कि आप ही लोग यूज़ कर लेते हो, एवरीथिंग यू शुड नो। ठीक है, यू शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट इट। यू आर वेरी गुड कैंडिडेट, सब कुछ ठीक है। एक तो थोड़ा स्माइल, आपको बोलने के बाद आपने थोड़ा स्माइल करना शुरू किया, बट देखो यू आर रिप्लाइंग ओनली टू द पर्सन हु इज आंसर आस्किंग द क्वेश्चन, पर नंबर तो सबने देने हैं, सो यू मेक आई कंटैक्ट विद अदर्स आल्सो। 60% ऑफ द टाइम जिसने पूछा है उसको देखो, बाकी टाइम औरों को भी देखो। ठीक है,
make sure that you make eye contact with everybody. This is one very important thing. थोड़ी सी आवाज़ आपकी और बुलंद चाहिए, slightly louder, ठीक है, वैसे ठीक थी but slightly louder. और जो क्वेश्चन पूछा जाए थोड़ा सा सोच के देन रिप्लाई. और अगर आपको नहीं आता सिंपली से कि सर आई वुड लाइक टू लर्न मोर अबाउट इट और ख़त्म करो, फिर अगला सवाल आ जाएगा, ठीक है ना. और अगर आपको 60% श्योर है कि आंसर क्या है, देन से मे आई मेक अ गैस. फिर गैस करके आप बता दोगे तो गलत भी होगा तो कोई माइंड नहीं करेगा, ठीक है, दिस इज द वे आउट, ठीक है ना. और क्योंकि आप मेट्रो में हो तो एक्सपेक्ट 80% क्वेश्चंस टू कम फ्रॉम मेट्रो, ठीक है. तो इंडिया में टोटल मेट्रो लेंथ कितनी है, दिल्ली में कितनी है, कलकत्ता में कितनी है, या कहाँ कहाँ मेट्रो फेल हो गई, ठीक है ना, क्यों फेल हो गई, सो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है, हमारा गोल क्या होना चाहिए, पैसेंजर रेवेन्यू कितना होना चाहिए, रेंटल कितना होना चाहिए, एवरीथिंग थिंक अबाउट इट. क्योंकि 6 साल वहाँ रोटी खाई है भाई, तो यू शुड हैव आंसर्स जो कि थोड़े अनकन्वेंशनल हो, जो कि बोर्ड में सबको पता ना हो. ऐसी कोई बात तुम बताओगे तो इट विल बी छक्का, ठीक है, थिंक अबाउट इट. थोड़ा स्माइल करो, थोड़ा इंतजाम रखो, यू आर अ वेरी गुड कैंडिडेट, यू कैन डू वेल. पर अगर आप मेट्रो के बारे में किसी चीज़ में आप क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाए तो थोड़ा सा होगा कि ये तो टाइम पास कर रहा है, ठीक है ना. तो नॉन टेक्निकल हो तो भी टेक्निकल चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है. हाँ जी, जैसा कि बताया आपको ना, तो DMRC का और आपके इसमें क्या क्या प्रैक्टिसेस फॉलो होती है. DMRC ओपन एक्सेस से पावर लेता है, आपके लेते हैं कि नहीं, किस रेट पे लेते हैं, आपके मेट्रो स्टेशन में फायर प्रोटेक्शन सिस्टम कैसे हैं, उसकी मेंटेनेंस कैसी है, ड्रिल होती है उसकी? यस सर. क्या फ्रिक्वेंसी है ड्रिल? सर मंथ में, जैसे एज ए स्टेशन कंट्रोलर हैं हम, तो मंथ में एक बार एक ड्रिल होनी चाहिए हमारी. ओके. आपके इंडियन रेलवेज और आपके ट्रैक में क्या फ़र्क है? इंडियन रेलवे ट्रैक में आपके स्टोन्स होते हैं, आपके क्यों नहीं होते हैं? वहाँ पर वाटर लॉगिंग के लिए उसका पानी जाना चाहिए अंदर, यहाँ पर इतना रिक्वायरमेंट नहीं है इसका, इसलिए ट्रैक में. और हाई वोल्टेज जो ट्रैक्शन वोल्टेज है 25 kV की हुआ है, एंड वाई इट इज सिमिलर टू रेलवेज, पेंटोग्राफ के बारे में आपने ठीक बताया, काइट्स के लिए आपने पहले लोअर आगे वाले को डाउन करते हैं, तो प्रैक्टिस यू शुड नो बेटर बिकॉज 6 साल हो गए आपको, ठीक. टेक्निकल सब्जेक्ट में थोड़ा बेसिक्स रिवाइज कर लेना आप, है ना. यस सर, मैंने बेसिक्स ही क्वेश्चन पूछे थे सिग्नल से, ADC से. कुछ क्वेश्चन आपने करेक्टली आंसर किए, कुछ में थोड़ा सा फंबल किए, तो वो बेसिक क्वेश्चन थे. और ज़्यादातर जैसे इंटरव्यू में क्वेश्चन में टेक्निकल में बहुत डेप्थ में, ऐसा नहीं कि बहुत डेप्थ में जाते हैं अनटिल अनलेस आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो, ज़्यादातर वो एप्लीकेशन ओरिएंटेड ज़्यादा होता है. तो आपको कोई जैसे कुछ पूछा जा रहा है तो उसका कोई एप्लीकेशन है ना, जैसे मैंने पूछा आपसे सेमीकंडक्टर है तो उसका कोई एप्लीकेशन, तो उस वे में थोड़ा सा बेसिक्स सब्जेक्ट के जो मेन सब्जेक्ट हैं आपके उसको पढ़ लीजिए और उसको थोड़ा रिवाइज कर लीजिए ना, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं. ठीक, जैसे सर आपकी ये टाई थोड़ी सी टाइट करने की जरूरत है. हाँ, वो थोड़ा सा मुझे भी गैप सर दिखाई तो सही कर लीजिएगा. जैसे सर पूछा था आपसे कि मेट्रो में हम स्टैंडर्ड गेज यूज़ करते हैं, रेलवेज में वाइड गेज यूज़ करते हैं. यस सर, रीज़न आपने उसका बताया था कुछ, तो रीज़न उसका ये है कि मेट्रो में हम स्टैंडर्ड गेज इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वर्ल्ड वाइड मेट्रो का स्टैंडर्ड गेज पे ही ऑपरेशन होता है, वर्ल्ड वाइड, राइट.
तो प्रोक्योरमेंट अगर हम स्टैंडर्ड गेज का करेंगे तो हमें लो कॉस्ट में सेम रेक्स परचेज का करने को मिलेगा। अगर हम वाइड कॉच के लिए अलग से ऑर्डर प्लेस करेंगे तो उससे प्रोक्योरमेंट कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इसीलिए जो मेट्रो की लाइन वन है, रेड लाइन, वो शुरू में बनी थी वाइड गेज पे, बट उसके बाद ये श्री धरन सर को क्लियरेंस मिल गया था रेलवे से कि आप इस स्टैंडर्ड गॉज पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। दूसरा आपसे पूछा था मैंने मेट्रो में मोटर कौन सी यूज़ होती है, आपने बोला डीसी मोटर भी यूज़ होती है, तो डीसी नहीं यूज़ होती है, डीसी सीरीज मोटर रेलवे में यूज़ होती है अभी भी कन्वेंशनल लोकोमोटिव्स में। लेकिन सर वो शायद ब्रेकिंग में यूज़ नहीं होती डीसी मोटर, ब्रेकिंग नहीं ब्रेकिंग में नहीं होती, जो रीजनरेट मैकेनिज्म में रीजनरेटिव ट्रिपल वीएफ से ही होता है, जो ट्रिपल वीएफ आपने बताया मुझे, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, तो उसमें अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तो वी बाय एफ का रेशियो हमको कॉन्स्टेंट करना होता है, क्योंकि वी बाय एफ इज प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स, तो फ्लक्स कॉन्स्टेंट रहेगा तो जिस प्रपोर्शन में वोल्टेज चेंज करेंगे उसी में फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर देंगे। एंड आजकल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स टूल्स काफ़ी अच्छे अच्छे आ गए, तो ट्रिपल वीएफ करना बहुत स्मूथ कर्व होता है, एंड उसमें हमें ब्रशेस का भी नहीं यूज़ करना पड़ता जैसे डीसी सीरीज मोटर में यूज़ होता था, राइट। बाकी एक आपसे पूछा था मैंने ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है, दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड एज एक्सपेंस अपॉन अर्निंग, तो मतलब मेट्रो को एक रुपये कमाने के लिए कितना खर्च करना पड़ेगा। तो रेलवेज का भी हम हेल्थ जो है ओआर से ही चेक करते हैं, ठीक है। तो बाकी ओवरऑल आपका टेक्निकली अच्छा है, तो जैसे जॉब का मैंने आपसे पूछा था कि अगर मेट्रो खड़ी हो गई बीच में, तो मेट्रो के आगे एक दरवाज़ा होता है ना इसे खोलने के लिए, पैसेंजर इवैक्यूएशन करने के लिए, तो उसमें आपका आंसर ऐसे होना था कि अगर हम पहले तो ओएचई ऑन करने का कोशिश करते हैं, ओएचई अगर नहीं ऑन होता तो हमें पैसेंजर को इवैक्यूएट करना होता, और आपको आपने देखा है ट्रैक के बगल में वॉकिंग पाथ्स होते हैं मेट्रो में, वो इसीलिए बनाए गए मेंटेनेंस पर्सपेक्टिव से भी और इवैक्यूएशन प्लान के पर्सपेक्टिव से भी, ठीक है। ओके, लास्ट इंटरव्यू में आपके कितने नंबर आए थे? जो लास्ट ईयर दिया है मैंने उसमें सर 80 थे। 80 आउट ऑफ 200। 80 आउट ऑफ 200 अभी कम से। क्या हो गया था, व्हाट वेंट रॉन्ग? ऐसा भी कुछ हुआ नहीं था सर, एवरेज ही था वो भी, बट मार्क्स कम थे। उसमें जॉब से रिलेटेड मुझसे कोई क्वेश्चंस पूछा नहीं गया था एक भी। ओके, पूरा टेक्निकल हो गया। हाँ, पूरा टेक्निकल। तो तुमने इंट्रो में बताया था कि मैं मेट्रो में काम करता हूँ? यस सर, बताया था। बताया था, लेकिन उन्होंने वो उस साइड नहीं गए थे। हाँ, उस साइड गए नहीं थे वो, मतलब मेरी जॉब प्रोफाइल की तरफ गए नहीं थे बिल्कुल भी। चलो कोई बात नहीं। आपने जो अपना इंट्रो दिया ना वो रिवर्स था, मतलब आप स्कूलिंग से शुरू करिए, आप लास्ट में स्कूल बता दें, बता दें, तो जो फ्रेश रहेगा ना, जॉब फ्रेश रहेगी। बीटेक प्रोजेक्ट अगर अच्छा किया हो तो वो ऐड कर दो आप, क्योंकि जो लास्ट में बोलोगे ना वही एग्जामिनर के माइंड में स्टिक करता है। वो गलती आपने करी, उल्टा बताया आप। दसवीं कहाँ से करी? मैंने क्या करना यार, दसवीं कहाँ से करी उसका इतना नहीं बताना। मींस मतलब लोकेशन कहाँ से हो आप, बीटेक कहाँ से किया, बीटेक प्रोजेक्ट और जॉब, बस चार पॉइंट, इसके अलावा कुछ नहीं। बीटेक प्रोजेक्ट क्या था तुम्हारा? बीटेक प्रोजेक्ट सर वो सीक्वेंस डिटेक्टर था। तो ये बताना था आपको, इसमें बहुत सारे सवाल बनते हैं, दस सवाल बनते हैं। और आपने जैसे 17 के बाद आपका 4 साल का गैप रहा, यस सर, वो क्यों किया था आपने? उसका भी आंसर तैयार कर लेना। यस सर, कि आप जॉब से सेटिस्फाइड थे बट बाद में आपको लगा कि अब आप वो सर इंटरेस्ट लूज हो गया था पढ़ाई में, फिर 2000 ये क्वेश्चन ऐसे बाबाओं से, ये मत कहना कि मेरा इंटरेस्ट लूज हो गया था, मतलब मैं मेट्रो रेल में काम कर रहा था एंड आई वाज वर्किंग हार्ड, नई बनी थी तो आई वाज वर्किंग वेरी हार्ड देयर। उसमें आप ये बोल दोगे कि सर ग्रोथ नहीं मिली या टेक्निकल साइड मुझे शिफ्ट होना था, जो आपने बोला भी कि आप नॉन टेक काम कर रहे हो अभी करेंटली, ठीक है। बाकी ओवरऑल इंटरव्यू वाज नाइस, टेक्निकली थोड़ा रिवाइज कर लो बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब तुम आए थे तो लग रहा था इतने दुखी हो, दुखी आत्मा किसी को नहीं चाहिए, ठीक है, तृप्त आत्मा चाहिए, तो बहुत दुखी लग रहे थे, दुखी नहीं होना चाहिए। एंड देखिए आप 4-5 साल से जॉब कर ही रहे हैं, तो आप अगर अपनी पर्सनालिटी में अपनी जॉब कैरी करते रहेंगे ना, मतलब आप एक स्टेशन कंट्रोलर हैं, आप मेट्रो का एक स्टेशन संभालते हैं, फुटफॉल क्या होता है वो सर ने पूछा था आपसे, मेजर कैसे करते हैं उसको, फुटफॉल बोलते हैं कितने लोगों का पैर उस पर है, राइट। राजीव चौक इज़ द हाईएस्ट फुटफॉल मेट्रो स्टेशन करेंटली, ठीक है। पूरा साल में कितना, मतलब डेली ऑलमोस्ट 30-40 लाख लोग ट्रैवल करते हैं, तो ये फिगर्स आपको याद होने चाहिए, राइट। ठीक है। तो चेयर अप, पुट सम एनर्जी इनटू द होल थिंग। बाप बीटेक कैंडिडेट हो नहीं है, बाप मैच्योर लीग में आ गए हो, राइट, तो उसको कैरी करो अपने साथ। ठीक है, ओके। देखो तुम अगर स्मार्ट हो ना
तो कहीं ना कहीं जैसे किसी ने किसी और चीज़ के बारे में पूछ लिया तो उत्तर देते थे, कह देना कि भाई हमारी मेट्रो में ये मोटर नहीं लगती है, ठीक है, बस मेट्रो में थ्री फेज इंडक्शन मोटर बस। बीच बीच में मेट्रो का नाम ले लिया और तुम्हारा इंटरव्यू फिर मेट्रो पे आ जाएगा, जिस चीज़ का तुम्हें पता है, बट तुम्हें पता होना चाहिए मेट्रो में एक एक चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से यू कैन ब्रिंग द इंटरव्यू टू योर गेम। अरे इतने छः साल से खेल रहे हो यार, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक सर वो जो प्रोजेक्ट का था जैसे सिक्वेंस डिटेक्टर, तो उसके ऊपर मेरी जानकारी बहुत कम है और वो काफी टाइम हो गया तब। अगर जानकारी नहीं है तो टपा दो, बताने की जरूरत नहीं है तो ठीक छोड़ो। अगर पढ़ सकते हो, क्योंकि सीक्वेंस डिटेक्टर बहुत सिंपल सर्किट है जैसा सर ने कहा, मतलब वो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तुम्हें बहुत टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एक सिंपल से सिक्वेंशियल सर्किट होती है वो, और इजिली मतलब पढ़ सकते हो, तो उसके ऊपर क्वेश्चन हो सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप इजिली आंसर भी कर लो। बताया तो ठीक है, नहीं बता तो टपा, और अगर नहीं प्रिपेयर होता है तो जैसा आपने नहीं बताया तो मत बताना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। इस बार भी आपके 120 नंबर आ जाते हैं अभी, ठीक है, 80 के लायक नहीं हो तुम। और देखो एक लास्ट पॉइंट तो बता दूं, यूपीएससी का लक्ष्य क्या है कि अच्छा कैंडिडेट मिस ना हो, तुम अच्छे कैंडिडेट हो, मिस मत होना, ठीक है, ठीक है, अपनी कीमत खड़ी करो जाके, तो कहीं ना कहीं पकड़ के उनको मेट्रो में घुसा देना, ठीक है, ठीक है, थैंक यू।